आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित हैं मन की शक्ति के बारे में कुछ बताने के लिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे यूज करेंगे, आज कई बातें ब्रीफली आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपको किसी के विचार बदलने हैं, किसी के संस्कार बदलने हैं, किसी की शराब छुड़ानी है, किसी को अपना मित्र बनाना है, बिगड़े हुए कार्य संवारने हैं, क्या करें? कल मैं आपको कह रहा था आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, आपको कर्ज हो गया है, आपको धन की कमी हो रही है। सवेरे उठते ही भगवान को सच्चे मन से शुक्रिया करना बहुत बड़ी चीज है, ये ग्रेटिट्यूड, जिसने हमें सब कुछ दिया, जो कुछ आपको मिला है उनके लिए भी शुक्रिया करना। आपके घर में एक अच्छा सोफा है, आपको बहुत शुक्रिया। आप अच्छा भोजन खा रहे हैं, ये भोजन है प्रकृति, आपको बहुत शुक्रिया। हे अन्न देने वाले भगवान, आपको बहुत शुक्रिया। सवेरे उठते ही संकल्प करेंगे, मैं भगवान की संतान हूँ, उसकी नजर मुझ पर है, उसने मेरा भाग्य खोल दिया है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। सात बार कर लेंगे इसी क्रम से, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। कोई आपका पेमेंट नहीं दे रहा है तो विजन देखेंगे, वो व्यक्ति आ गया है, आपको चेक दे रहा है। एक समय भी निश्चित कर लेंगे, 15 दिन में, 1 मास में, 3 मास में, उसको भी शुक्रिया करेंगे। आपने मेरा धन लौटाया, पहले से ही शुक्रिया कर लो, आपने मेरा धन लौटा दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत धन मिले, आप भी धनवान बने, इस तरह के संकल्प कर लेंगे। जिसके संस्कार विचार बदलने हैं, पहले तो उसे आत्मा देखेंगे, चाहे वो दूर हो या आपके समीप हो, सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेकर आत्मा से वाइब्रेशंस देंगे उस आत्मा को। 5-7-10 मिनट दें, जितना आप कर सके उतना ही फायदा होगा। फिर उससे माइंड टू माइंड बात करें, यू आर माई गुड फ्रेंड, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम अपने जीवन की यात्रा को प्यार से संपूर्ण सम्मान देते हुए, एक दूसरे को सहयोग देते हुए तय करेंगे। आओ हम जिंदगी का आनंद लें, एक दूसरे में प्यार बांटें, एक दूसरे का सम्मान करें, जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। रोज वही बातें करनी है, वो शराब पीने लगा है, गड़बड़ हो गई है, कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, हार्ट फेल होने को आ गया, उसको संकल्प दो तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इस शराब को छोड़ने की शक्ति तुम्हारे पास है, तुम देव कुल की पवित्र आत्मा हो, ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, तुम्हारे संस्कार तो प्योरिटी है, इसको छोड़ दो। लास्ट में कमांड दो बहुत पावरफुली, इस शराब को छोड़ दो। सेम टाइम आपको 21 दिन तक ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग करना है। कोई व्यक्ति बहुत कुवचन बोलता है, आपको कष्ट दे रहा है, उसके संस्कार ही कष्ट देने के हैं, उससे भी इसी तरह योग के वाइब्रेशंस देकर उससे भी बात करो, आत्मा देखकर, माइंड टू माइंड, तुम बहुत अच्छे आत्मा हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सुखदाई हो, तुम भगवान के बच्चे हो, सबको सुख दिया करो। लास्ट में कमांड, सबको अपने सुंदर वचनों से, मधुर वचनों से सुख दिया करो, सुख दो तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि हम जो कुछ दूसरों को देते हैं वही तो हमें कई गुना होकर मिलता रहता है। इस तरह का कमांड उसको देंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसका जगा रहता है जब वो सोया है, तो सवेरे ये काम करेंगे, रोज सेम टाइम करेंगे, सेम विचार देंगे, सवेरे 4 बजे करें, 5 बजे तक करें, और वो व्यक्ति देर तक सोता है तो 6 बजे तक भी आप कर सकते हैं, पर जितनी अच्छी आपकी मनोस्थिति होगी, स्टेट ऑफ माइंड जितना पावरफुल पॉजिटिव होगा, जितना आप में विश्वास होगा कि मेरा ये करने से इस व्यक्ति में ये सुधार आ जाएगा, उतना ही होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, आप दूसरे के विचारों को, संस्कारों को, भावनाओं को, आपके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दूसरों को, उसको भी ठीक कर सकते हैं।